गूंज के पांचवें सीजन में आपका स्वागत है और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं निगरानी। इंसान एक अजीब ही किस्म का प्राणी है, जिसे याद करेगा उसे बताएगा नहीं, उदास होगा पर दिखाएगा नहीं, प्यार करेगा पर जताएगा नहीं। अब इस अजीब इंसान के रिश्ते भी उतने ही अजीब होते हैं, और सबसे अजीब होता है अपनों का रिश्ता। जिन छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाया, अपने कंधों को जिनके लिए तकिया बनाया, उन्हीं बच्चों की थामी हुई उंगली वक्त कहता है छोड़ दो, बड़े जो हो रहे हैं। जिस बच्ची के 18 साल एक पिता ने उसके साथ जिए, आज वही पिता अपनी बिटिया के सपने पूरे करने के लिए अपना खुद का सपना एक अनजान शहर में छोड़कर जा रहा था। जय हिंद साहब, हम आपकी मदद कर दें क्या? आपके पास सामान थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लिफ्ट तक ले चलें? हाँ हाँ प्लीज, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारी। जी, आपकी बिटिया भी यहाँ पास वाले कॉलेज में पढ़ने आई है ना? हाँ, रामदास कॉलेज ऑफ मीडिया। इस बिल्डिंग में और भी बच्चे हैं ना इस कॉलेज के? बिल्कुल साहब, वो बी ब्लॉक के 3, 10 और 15 मंजिल पे कुछ लड़के हैं, और इस ए बिल्डिंग के 4 और 5 मंजिल पे 2 घर हैं जहाँ लड़कियाँ रहती हैं। और भी होंगे पर हमें बस इतना ही पता है। ये लीजिए साहब, आपका सारा सामान हो गया। अच्छा भाई साहब सुनिए, एक रिक्वेस्ट करनी थी। जैसे आप उन बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, बस मेरी बेटी दीक्षा का भी ऐसे ही ख्याल रखना। हाँ, और थैंक यू फॉर योर हेल्प। उसके पिताजी के जाने के बाद उसकी वो मुस्कुराहट कहीं खो सी गई थी। वो पार्क में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। उस रात न तारे थे न ही चांद, पर शायद वो उन्हें ढूंढ भी नहीं रही थी। वो वहाँ हमारी आंखों के सामने बैठी तो थी, पर शायद कहीं और थी। उसे वहाँ बैठे देख बस एक ही प्रश्न था जो हमें खाए जा रहा था। क्या हमारी बिटिया को भी ऐसा ही लगा होगा जब हम यहाँ आए थे उसे छोड़ के? पर उस प्रश्न का जवाब जानने के लिए उसे बात करनी पड़ती, पर वो तो शायद हमसे बात ही नहीं करना चाहती। उसके पिताजी ने कहा था ना उसका ख्याल रखना, बस उस अपनेपन ने एक डोर ऐसी जोड़ी कि मानो अगर आज कोई डिलीवरी वाला उसे खाना देने ना आए तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है कि आज तो बिटिया ने कुछ खाया ही नहीं। ये सोचते सोचते फिर से ख्याल आ जाता है शीतल का। उसकी एक आदत थी, एकदम से उसे भूख लगनी बंद हो जाती थी जब उसे यह पता लगता कि उसकी माँ और छोटा भाई पेट भर खाना नहीं खाने वाले। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सु
यस सर, आई अंडरस्टैंड। आप मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी सर। जी, माथे पर एक शिकन, गाल एकदम लाल, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त रो पड़ेगी, पर उसकी आंखें, वो कुछ और ही कहानी बुन रही थी। एक ऐसी कहानी जो किसी को भी बेवकूफ बना दे। वैसे तो वो हमेशा जाने से पहले गुड आफ्टरनून अंकल बोलकर जाती थी, पर आज नहीं। आज वो बस चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गई। हम उसे बताना चाहते थे कि रोना इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी हिम्मत बयान करती है, पर है तो हम एक वॉचमैन ही ना। अरे अरे, आज इंद्रदेव गुस्से में लग रहे हैं। अचानक से इतनी तेज बारिश, कुछ अता पता ही नहीं होता इन मुंबई की बारिशों का। लेकिन अब क्या करें, घर जाने का टाइम है। और ये छतरी, हमारी छतरी कहाँ है? ओहो, वो उस दिन मैडम को दी थी, वापिस ही नहीं करी उन्होंने। अरे यार। गुड इवनिंग अंकल, क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। वो क्या है ना, वो बारिश हो रही है और घर जाने के लिए छाता नहीं है ना, बस बाकी सब बढ़िया है। ओ, तो मेरा छाता ले लो। अरे क्या बात कर रही हो। नहीं नहीं बेटा, मैं देख लूंगा, आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं अंकल, मैं तो घर ही जा रही हूँ, आप ये रख लो, मुझे बाद में वापस कर देना। अच्छा, फिर बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। लोग तो बहुत हैं इस बिल्डिंग में जो हमें यहाँ बैठा देखते हैं, पर उनमें से सिर्फ एक दीक्षा बेटी है जो हमें देखकर अनदेखा नहीं कर देती। और फिर वो एक दिन ऐसा था जब उसने हमें सिर्फ देखा ही नहीं पर हमें पहचान भी लिया था। गुड आफ्टरनून अंकल, आज मीरा का बर्थडे है, मेरी रूममेट, और ये आपके लिए केक। अरे बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसे कैसे अंकल, आप भी इस बिल्डिंग के उतने ही पार्ट हो जितने की बाकी लोग। धन्यवाद बेटा। उसके पिताजी का फोन आ रहा था, पर उसने वो फोन काट दिया और एकदम से उसके चेहरे पे एक मायूसियत सी छा गई। वो आपकी रिंगटोन? जी, वो मेरा फेवरेट गाना है। जब मैं छोटी थी पापा मुझे यही सुनाया करते थे, पर ये मेरी रिंगटोन तब तक नहीं थी जब तक मैंने ये आपके रेडियो पर बजते हुए नहीं सुना था। हाँ, वो मेरा भी क्या कहते हैं उसे, फेवरेट गाना है। मैं भी अपनी बिटिया को ये सुनाया करता था। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी शीतल बनारस में रहती है अपनी माँ और छोटे भाई के साथ। बहुत ही समझदार है वो। हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ वो हमारा पूरा घर संभाल रही है। आपके जितनी ही हैं वो, शायद एक साल छोटी होगी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती है ना, तो स्कूल के साथ घर भी संभालना पड़ता है उसे। अब क्या कहें, बहुत बड़ी हो गई है वो। अभी कुछ सालों पहले मेरी उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी, और अब देखो, हमें शीतल से मिले कई साल हो गए हैं। जब से यहां काम करना शुरू किया है हमें छुट्टी ही नहीं मिलती। पहले जब हमारी दुकान थी ना, तो हर एक दो महीने बाद चले जाते थे वापस, पर फिर किराया बढ़ गया और ये वॉचमैन की नौकरी करने लग गए। पर हमें याद बहुत आती है उसकी, और उसे वो गाना गाकर सुनाने की। आप गाना गाते हैं? नहीं कुछ खास नहीं, बस उसके लिए ही गाया करते थे, पर अब तो बात भी नहीं होती उससे। कहीं ना कहीं रिश्तों का वो मीठा रस जिम्मेदारियों की तीखी धूप में सूखा पड़ ही जाता है।
अरे अंकल, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस अपना फोन लेना है और इसे कॉल करना है। एक हेलो बेटा, कैसे हो, सब ठीक कर देगा आपके बीच। पर आपने भी तो अपने बाबा का फोन कट कर दिया ना। अंकल बात कुछ और है। मैंने उनका फोन इसलिए नहीं काटा क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, बल्कि इसलिए काटा क्योंकि उन्हें मेरी आवाज से पता लग जाएगा कि कुछ तो ऑफ है, और फिर वो फालतू की टेंशन लेंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि आई मिस हूं। अरे बेटा, माँ बाप का तो काम ही होता है टेंशन लेना, और फिर घर की याद किसे नहीं आती। पर जो लोग वो घर बनाते हैं उनसे आप बात करना ही नहीं चाहते। शायद आप सही कह रहे हो, पर आप भी तो नहीं कर रहे ना घर पर बात अपनी बेटी से। वो नाराज है हमसे। एक 17 साल की बच्ची अकेले वो काम कर रही है जो हमें उसके साथ करना चाहिए था। वो रूठी हुई है हमसे बेटा, नहीं करेगी बात। तो अब मना लो ना उसे। पर कैसे? गाना गा के। कम ना। अच्छा अंकल, मुझे जाना है, बाय। बाय बेटा। उससे बात करके हमसे नहीं रुका जा रहा था। शीतल से बात तो करनी थी, पर उसके फोन ना उठाने का डर अभी भी कहीं ना कहीं सता रहा था। तब हमने अपना फोन उठाया और रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में निगरानी। इस नाटक के निर्देशा हैं आरुषि सयाल, लेखक हैं आरुषि सयाल, अनन्या आनंद और समीक्षा अग्रवाल। कहानियों के पीछे आवाज है अंजुम राजबली, आरुषि सयाल और मिलिंद हेडिया। साउंड एडिटर हैं निष्का मोहंती और साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं यश कोवियर। प्रोडक्शन हेड हैं सिद्धार्थ सुबेदार। प्रोडक्शन टीम में शामिल हैं शिवी सिंह और जानवी अदुकिया। सोशल मीडिया और डिजाइन टीम में शामिल हैं पलक दानी, सानिया उचानी और आयुषी हिमनानी। हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे अंजुम राजबली, लाइली दत्ता, राहुल पुरी, मिलिंद हेडिया, भास्कर रॉय और रुतिका यावलेकर का। सुनते रहिए गूंज।